फेम पे अकाउंट कैसे क्रिएट करें? फ्रेंड्स, यदि आप लोग का एज 18 साल से कम भी है या फिर ज़्यादा है, तब भी आप लोग का अकाउंट आराम से खुल जाएगा फेम पे एप्लीकेशन में। अभी क्या हो गया कि फेम पे एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट करने के लिए थोड़ा अपडेट आते रहता है, तो वही हिसाब से आज के इस लेटेस्ट वीडियो में आप लोग के लिए सामने लेके आ गया हूँ कैसे आप लोग फेम पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट का वीडियो है, वीडियो को सही से लास्ट तक बिना स्क्रिप्ट के आप लोग देखते हो तो आप लोग इजीली फेम पे अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। प्लस आप लोग के पास फेम पे का जो कार्ड होता है ना, फेमएक्स, वो भी आप लोग का कार्ड डिलीवर हो जाएगा। दोनों चीज़ हो जाएगा आज के इस वीडियो में। बस आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख देना। ऐसे आप लोग के लिए मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ जिसका मदद से आप लोग का बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, चलो मोबाइल स्क्रीन पर हम चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को फेम पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद यहाँ से आप लोग को अपना फोन नंबर डालना पड़ेगा। फोन नंबर डाल देना, कोई भी नंबर डालने से चल जाएगा, लेकिन एक्टिवेट होना चाहिए नंबर जिसमें ओटीपी आ सके। तो यहाँ से चलो हम नंबर डाल देते हैं। इस एप्लीकेशन से स्कूल गोइंग स्टूडेंट का बहुत ही ज़्यादा मदद हुआ है, क्योंकि जो लोग गूगल पे यूज़ करते हैं, फोन पे यूज़ करते हैं, ठीक है, वो लोग जो काम कर पाते हैं ना, वो सारा काम आप लोग फेम पे अकाउंट में क्रिएट कर पाएंगे। मतलब फेम पे से भी काम हो जाएगा, जो भी काम आपको करना है। कहीं पर भी दुकान चले गए, वहाँ से यदि आप लोग को स्कैनर देख के पेमेंट करना है, स्कैनर से पेमेंट करना है वो भी हो जाएगा। बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है वो भी हो जाएगा। बस आप लोग का यहाँ पे क्या है कि ये फेम पे अकाउंट है, तो आप लोग का यहाँ पे एज यदि आप लोग 13 साल से ऊपर है तो आराम से आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जैसे मोबाइल नंबर या ओटीपी डाल देते हो, उसके बाद आप लोग का यहाँ से क्या होगा कि आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आप लोग का नाम मांगा जाएगा और नीचे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आधार कार्ड में होगा आप लोग का, वही यहाँ पे आप लोग नाम डालना और नीचे डेट ऑफ बर्थ वही एग्जैक्ट डालना, ठीक है। थोड़ा भी आप लोग यहाँ से गलती मत कर देना, आप लोग सही से फिल कर देना। उसके बाद यहाँ से हमें नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का कुछ अलग इंटरफेस शो करेगा, ठीक है। कंटिन्यू में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें यदि आप लोग सही से जानना चाहते हैं कि कैसे हम फेम पे अकाउंट क्रिएट करें। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ से एनेबल एक्सेस में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग का लोकेशन मांगा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ओके में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है, उसके बाद आप लोग का यहाँ से लोकेशन भी एनेबल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से देख लो हमारा फेम पे अकाउंट का आधा काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आधा काम कंप्लीट करना है, आधा काम कैसे कंप्लीट करना है ये बताऊंगा। और यहाँ से फ्रेंड्स क्या होता है कि आप लोग को पेमेंट कैसे करना है यदि आप लोग को पता नहीं है फेम पे एप्लीकेशन से, वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर से बनता है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दो। और आप लोग में से बहुत लोग फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है, उसमें आप क्लिक करते चैनल को सब्सक्राइब हो जाएगा। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेके आते रहो। तो फ्रेंड्स यहाँ से चलो मैं आप लोग को सबसे पहले अपने प्रोफाइल में लेके चलता हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से बैलेंस तो मेरा अभी 0 है, लेकिन पैसा कैसे ऐड करना है या फिर ट्रांसफर कैसे करना है सब मालूम चल जाएगा आप लोग को। सबसे पहले आप लोग को अपने प्रोफाइल में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप लोग इसमें क्लिक करते हैं, अपने देखो यहाँ पे स्कल का सैंपल बना हुआ है, इसमें आप क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से सारा डिटेल्स ओपन होकर चलाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग का सारा डिटेल्स शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स जो होता है, उसके बाद हम यहाँ से बैक आते हैं, गेट वेरीफाइड का ऑप्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से हमें वेरीफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा फेम पे अकाउंट से हम पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। सिंपली यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पे शो करें ना फेल टू वेरीफाई आधार, अभी यहाँ पे हम लिंक और रिट्राई मारेंगे, उसके बाद देखना हमारे यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा आधार। जैसे हम रिट्राई में क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से हमें लेके चला जाएगा डिजी लॉकर में, ठीक है। डिजी लॉकर में लेके जाएगा, फिर यहाँ से हमें आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर होता है जो आप लोग का आधार कार्ड में शो कर देगा, वहाँ से आप लोग डाल देना। उसके बाद नीचे में क्या होगा कि आपका कैप्चा कोड डालना पड़ेगा, ठीक है, कैप्चा कोड डालना पड़ेगा, उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, तब जाके आप लोग यहाँ से नेक्स्ट में क्लिक करेंगे ना, उसका एक ओटीपी आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग इस बात का ध्यान रखो, आप लोग का जो आधार कार्ड है उसके साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आपके पास ओटीपी नहीं आएगा, ओटीपी नहीं आएगा तो फ्रेंड्स आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो सकता। इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग का आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को जरूर से लिंक करके रखो, बहुत सारा काम आता है तब जाके। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम डालेंगे, उसका नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जो भी आधार कार्ड नंबर से लिंक है तो ओटीपी आएगा, उसे हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो कुछ सेकंड के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, ओटीपी आते ही हम यहाँ से डाल देंगे। देख लो आप लोग के सामने ओटीपी आ चुका, यहाँ से हम ओटीपी डाल देते हैं जो भी अभी आ गया यहाँ पे ओटीपी। उसके बाद आप लोग को यहाँ से एक बार चेक कर लेना है, फिर कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम कंटिन्यू में क्लिक करते हैं, हमारा यहाँ से आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा और कुछ ही सेकंड के अंदर। यहाँ से देख लो, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर से हम पहले से यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो यहाँ से हमारा सिक्योरिटी पिन मांगा जा रहा है, यदि आप लोग के पास सिक्योरिटी पिन याद नहीं है तो आप लोग यहाँ से फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन में क्लिक करके भी आप लोग यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। मुझे तो याद है, मैं यहाँ पे डाल के कंटिन्यू में क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से देख लो कि यहाँ से मेरा डिजी लॉकर में यहाँ पे वेरीफाई हो चुका मेरा आधार कार्ड, नीचे में आ जाना है, उसके बाद अलाउ में क्लिक कर देना है। अलाउ में क्लिक करते ही हमारा इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लो, कुछ सेकंड के लिए हमें वेट करना है। यहाँ से देख लो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली क्या बोलते हैं आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब सेकंड स्टेप है यहाँ पे वेरीफाई पैन कार्ड। पैन कार्ड को वेरीफाई करने के लिए सिंपली आप लोग के पास पैन कार्ड होना चाहिए। यदि आप लोग के पास पैन कार्ड नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ से बना लो एक नया सा पैन कार्ड। यदि आप लोग का एज 18 साल से कम भी है फिर भी आप लोग का पैन कार्ड बन सकता है, तो फ्रेंड्स इससे जाके पैन कार्ड बना लेना। तो यहाँ से जैसे आप लोग पैन कार्ड बना लोगे, उसका जो भी आपके पास पैन कार्ड नंबर है उसे यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक करते हैं, हमारा पैन कार्ड भी वेरीफाई हो गया, आधार कार्ड वेरीफाई हो गया, और लास्ट ऑप्शन है हमारा वेरीफाई विया क्विक वीडियो कॉल, इसमें हम क्लिक करेंगे थर्ड वाला ऑप्शन में। जैसे हम क्लिक करते हैं,
हैं। फिर यहाँ से आपके सामने एक मैसेज आएगा कि आपका नाम चला आएगा, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे यस आई एम में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के लिए वेट करना है, यहाँ से हमारा परमिशंस मांगा जाएगा वीडियो कॉलिंग करने के लिए, क्या क्या परमिशंस मांगा जाएगा देख लेना, कैमरा मांगा जाएगा, कैमरा का परमिशंस। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग को बोला गया है ओरिजिनल पैन कार्ड रेडी करके रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोग को देख लो कैमरा माइक्रोफोन लोकेशन, ये हमारा परमिशन मांगा जा रहा है, आप लोग को नीचे में क्लिक करना पड़ेगा, अलाउ परमिशंस में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से अलाउ में एक बार और क्लिक कर देना। फ्रेंड्स यहाँ से हमारा परमिशन चला गया, अब यहाँ से वीडियो कॉल आ जाएगा, ये हम एजेंट फेमपे का एजेंट है, ठीक है। यहाँ से आप लोग से कुछ सवाल पूछा जाएगा फेमपे का तरफ से, आपको उस सवाल का जवाब देना है। उसके बाद अपना पैन कार्ड को शो करना पड़ेगा, पैन कार्ड का बहुत फ्रंट एंड बैक साइड आपको शो करने को बोलेगा, तो आप लोग को दोनों चीज़ दिखा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से क्या होगा कि आप लोग से कुछ सवाल पूछा जाएगा, इजी सवाल है, जैसे कि आप लोग का एड्रेस पूछा जाएगा जो भी आधार कार्ड में होगा, तो वही एड्रेस आप लोग यहाँ से बोल देना जो भी आप लोग से पूछा जाएगा। फिर पिन कोड पूछा जाएगा वो भी डाल देना। उसके बाद यहाँ से देख लो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द कॉल, वीडियो कॉल हमारा कंप्लीट हो चुका, वीडियो के वैसे कंप्लीट हो चुका फेमपे अकाउंट का। और यहाँ से देख लो वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स, और कुछ ही मिनट के अंदर हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। वेरीफिकेशन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ये तीनों स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हमारा फेमपे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट कैसे करना है ये सब चीज़ आपको पता चलने वाला। उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग देख लो 100 रुपये हम कैसे कमाए, फ्री में आपको 100 रुपये दिया जा रहा है नवी एप्लीकेशन की तरफ से। नवी एप्लीकेशन की तरफ से 100 रुपये लेने के लिए आप लोग को सिंपली 1 रुपये का डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। नवी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्या करना है आप लोग को 1 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीद लेना। उसके बाद आप लोग को 10 रुपये से लेकर 100 रुपये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से कहता हूँ कि फेमपे अकाउंट जैसे आपका क्रिएट हो जाएगा सब सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद हमें पेमेंट कैसे करना है, प्लस आप लोग यहाँ से जो कार्ड मिलता है ना फेमेक्स कार्ड को कैसे ऑर्डर करें, यदि आप लोग को जानना है तो नीचे कमेंट कर दो आई नीड फेमेक्स कार्ड, आप लोग कमेंट कर दो, मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।